परमाणु मिसाइल कितना तबाही मचा सकता है, जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी महायुद्ध चल रहे हैं, यह युद्ध जो है बहुत लंबा समय ले लिया, क्योंकि रूस जो है बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है और यहीं पर यूक्रेन जो है बहुत ही छोटा देश है, इससे कमजोर देश है, फिर भी जो है यूक्रेन जो है रूस को उलझाए हुए है 8 दिनों से अभी, और इस युद्ध में जो है जब ही खत्म करने के लिए इस युद्ध को रूस जो है बारम्बार चेतावनी दे रहा है यूक्रेन को, अब जो है हम परमाणु हथियार से हमला करेंगे, परंतु ये परमाणु हथियार है क्या? यदि परमाणु हथियार, यदि परमाणु मिसाइल, यदि परमाणु बम, ये है क्या? ये इसका कारण क्या है? क्योंकि बार बार जो है रूस इतना धमकी दे रहा है, और रूस ये भी धमकी देता है जो भी देश यूक्रेन को सहायता करेगा, चाहे हथियार से हो चाहे सेना की सहायता हो, अगर कोई देश उसको सहायता करता है उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी हम हमला करेंगे, परंतु ये पूरे विश्व को जो है रूस ललकार रहा है, यानी क्या कारण है? तो रूस के कारण ये है कि रूस के पास जो है परमाणु शक्ति है, विश्व में सबसे अधिक परमाणु शक्ति जो है रूस के पास है, इसीलिए जो है रूस जो है किसी भी देश से जो है डरता नहीं है, किसी भी देश को ललकार देता है। और ये परमाणु शक्ति है क्या? देखिए, एक मतलब परमाणु मिसाइल में जो है 550 किलोटन के, एक परमाणु मिसाइल में 550 किलोटन के जो है 16 एटम बम फिट होते हैं, ये जो है परमाणु शक्ति है, यानी परमाणु मिसाइल है। इस परमाणु मिसाइल में जो है ना 550 किलोटन के जो है 16 एटम बम फिट होते हैं, और इस परमाणु मिसाइल की जो रेंज है, ये परमाणु मिसाइल जो है इसकी रेंज जो है ये है, यानी 11200 मील, एक परमाणु मिसाइल की रेंज जो है 11200 मील रेंज है, यानी इसको किलोमीटर में हम देखेंगे तो 17920 किलोमीटर, 17920 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना जिसको रेंज हो मिसाइल का, वो कितना भारी तबाही मचा सकता है, यानी कोई भी देश का जो है बड़े से बड़े शहर को ये जो है सेकेंडो में ध्वस्त कर सकता है, और जहाँ पर एक जो है परमाणु बम गिरा दिया जाता है वहाँ पर सैकड़ों वर्षों तक जो है यहाँ पर इसका जो है प्रभाव रहता है, यहाँ नामो निशान मिट जाता है कि इतना खतरनाक होते हैं परमाणु शक्ति, यानी परमाणु मिसाइल, परमाणु बम। इसलिए जो है सब देश जो है घबराते हैं परमाणु शक्ति से, यानी परमाणु बम से हर देश घबराते हैं। परंतु ये परमाणु बम जो है सबसे पहले ये आखिर बनाया किसने, किसके दिमाग में ये बात आया कि परमाणु शक्ति को, परमाणु बम को हम बनाएंगे, ये किसके दिमाग में ये बात आ गया? यानी परमाणु बम को जो है ना ये तुलना किया जाता है प्राचीन काल में ये देवता के पास थे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र के तुलना किया जाता है परमाणु शक्ति को, जितना तबाही जो है ब्रह्मास्त्र मचाते थे वैसे ही ठीक ये तबाही मचाते हैं अभी परमाणु मिसाइल, ये ब्रह्मा जी के पास का ये ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी से तपस्या करके देव हो या दानव हो या कोई असाधारण मानव, ये तपस्या करके ये जो है प्राप्त करते थे ब्रह्मास्त्र, जब ये बड़े बड़े युद्ध में जो है प्रयोग करने लगता था ब्रह्मास्त्र का, तो इसको भ्रमा ना करके खुद चेतावनी देते थे कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करो, क्योंकि इससे जो है सृष्टि विनाश हो जाएगा, और यही अभी है परमाणु मिसाइल में बात, जहां पर इसको जो है प्रयोग किया जाता है उस देश का जो है नाम निशान मिट जाता है, इसलिए हर देश ये कहता है परमाणु मिसाइल को जो है प्रयोग न करो, इससे जो है विश्व जो है संकट में आ जाएगा, परंतु तो अभी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे अधिक तो ये रूस जो है बहुत ही जो है ये भंडारण करके रखा है मिसाइल को, परमाणु को, और इससे जो है सभी देश को डराते हैं, घबराते हैं, इसी कारण जो है हर देश जो है भी रूस से कांपता है। और ये बनाया कौन? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है ये बनाया, उसके ही जो थे एक वैज्ञानिक टीम थे, जे रॉबर्ट
ओपेनहाइमर के एक वैज्ञानिक टीम थे, वही जो है परमाणु मिसाइल का जो है तैयार किया, उसी ने ये बनाया। कहा ये जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये क्या ब्रह्मा जी से खुद ये वरदान लेकर के जन्म लिया था पृथ्वी पर? जब ये जन्म लिया तो ब्रह्मा जी से ये पूछ करके लिया होगा जन्म, इसलिए उसके दिमाग में जो है ये बात आ गया कि हम मिसाइल बना देते हैं। जो अस्त्र जो है ब्रह्मा जी के पास है, वो अस्त्र जो है हम धरती पर भी बना देते हैं। ब्रह्मा जी का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जो वरदान लेते थे, जो शक्ति इसके पास था, जो ये काम करते थे, अब जो है वह मानव काम कर रहे हैं। अगर अभी जो है देवता भी पृथ्वी पर अगर आ जाए, इसको भी जो है मानव अधेर करके भगा देगा। इतना मिसाइल बना लिया है मानव, इसका नाम मिसाइल नहीं रहने देगा, समझे ना। और ये जो है परमाणु हथियार दो प्रकार के होते हैं, परमाणु बम यानी परमाणु हथियार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। परमाणु हथियार दो प्रकार के होते हैं, पहला है विखंडन, पहला हथियार का नाम है विखंडन, और दूसरे हथियार का नाम है थर्मोन्यूक्लियर। थर्मोन्यूक्लियर तो सबसे पहले देखते हैं विखंडन, यानी विखंडन बम में जो है विखंडन बम में विखंडन प्रतिक्रिया द्वारा, ये विखंडन बम है, इस विखंडन बम में जो है विखंडन प्रतिक्रिया करके जो है इस ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, इस ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा इतने बड़े क्षेत्र में फैलती है कि भारी तबाही मचा देते हैं। और दूसरा है थर्मोन्यूक्लियर, थर्मोन्यूक्लियर को जो है ना हाइड्रोजन बम कहा जाता है, थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या हाइड्रोजन बम, और एक और नाम है एच बम, एच बम, ये जो है भारी तबाही ये भी मचाती है। जहां पर इस बम को जो है छोड़ा जाता है, इस मिसाइल को छोड़ा जाता है थर्मोन्यूक्लियर को, वहां के वातावरण में जो है ना जितना भी ऑक्सीजन की मात्रा है, सभी ऑक्सीजन की मात्रा को जो है वो अपने अंदर सोख लेती है। जब इस जो है मिसाइल को प्रयोग किया जाता है तो ये पूरे वातावरण में जो है धुआं फैला देते हैं, ये धुआं इतना भी फैला होते हैं पूरे ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर सोख लेते हैं। और यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बच जाते हैं, और यहाँ पे इतना गर्मी उत्पन्न होते है, इतना गर्मी उत्पन्न होते है कि उसी के कारण आदमी मरने लगते है। यहाँ पर सांस लेना दुर्लभ हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को ये छोड़ता ही नहीं है, ये इतना खतरनाक होते है। और परमाणु मिसाइल का जो है एक बार प्रयोग हो चुका है उस धरती पर, इस धरती पर एक बार परमाणु मिसाइल का प्रयोग हो चुका है, इससे भी जो है भी रूस को सबक नहीं मिल रहा है कि एक बार जो प्रयोग हुआ था उसने कितना तबाही मचा था। अभी तक क्या हाल है जहां पर इसका प्रयोग किया गया था, इतना इसको दिमाग नहीं है, ये जो है होर लगा दिया है परमाणु शक्ति परमाणु शक्ति परमाणु शक्ति। और ये जो है प्रयोग हुआ था जापान पर, अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया था जापान पर, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका जो है जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, यह एक नहीं दो दो परमाणु बम गिराया था। और पहला बम जो था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर जो है पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और ये भी हिरोशिमा शहर पर, जापान में हिरोशिमा नाम के एक शहर है, उसी शहर पर जो है अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जो है परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और ठीक उसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर पर ही, अमेरिका द्वारा जापान के शहर पर ही जो है यानी नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। अभी इतना भी ध्वंसकारी थी, इतना तबाही मचा दिया, देखते देखते लाखों लोग जो है मर गए, यानी हिरोशिमा में जो है लोगों की मरने की संख्या जो आंकड़ा किया गया वह 1,40,000, हिरोशिमा में लोगों की मरने की संख्या का जो है आंकड़ा किया गया वह है 1,40,000, और नागासाकी में 74,000, नागासाकी में 74,000 से भी अधिक लोग मारे गए। यह है परमाणु मिसाइल की शक्ति, इसलिए जो है परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
ये आपातकालीन व्यवस्था है, इसका प्रयोग पर रोक लग चुका है, पूरे देशों के समर्थन से परमाणु शक्ति के प्रयोग पर जो है रोक लगा दिया है, तो रोक लगना चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए जो है अच्छा नहीं है। अगर ये रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है, अगर यूक्रेन पर जो है ये छोड़ेगा परमाणु मिसाइल, तो क्या ये यूक्रेन ही उससे तबाह होगा? जो उसके पड़ोसी देश है उसका ये धक्का नहीं लगेगा क्या? परंतु ये है रूस को दिमाग नहीं है, ये बार बार चेतावनी दे रहा है। अभी का दुनिया जो है लोकतंत्र है, अभी पूरे विश्व में जो है अधिक से अधिक देश जो है अभी लोकतंत्र हो चुका है, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। तो यहाँ पर यूक्रेन भी जो है अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे थे, तो इससे रूस को क्या आपत्ति हुई कि इसे जो है युद्ध करने की नौबत आ गई, उसको युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। और युद्ध यहां तक आ गई है कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल होने वाला है, प्रयोग होने वाला है, इस पर तो पाबंदी लगाना चाहिए पूरे देश को। अभी देश पूरे जो है मजा ले रहा है, देख रहा है, बार बार कहता है अमेरिका जैसा देश कि अब रूस को ये कर देंगे, धमकी देंगे, परंतु सच तो ये है कि यूक्रेन को जो है अमेरिका ही जो है ऊपर चढ़ा दिया और नीचे से जो है टेंगारी से काट दिया, लेकिन कोई मदद ही नहीं कर रहे, कोई सहायता ही नहीं कर रहे हैं, और तो आगू तो कर दिया, अब इसका जो है फल भुगत रहा है यूक्रेन को उसकी सजा मिल रही है, इस पर जो है पूरे देश जो है पाबंदी लगाए, उस पर यह युद्ध जो है जल्द से जल्द खत्म करे, यही पूरे विश्व के जो है जनता से निवेदन है कि युद्ध को जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं इसको जल्द ही जल्द खत्म किया जाए, इतना आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि आज जो है आठवां दिन है युद्ध का, बहुत ही विनाशकारी हो चुका है, पूरे यूक्रेन तबाह हो चुका है। आप ये देख सकते हैं पूरे यूक्रेन तबाह हो चुका है, यूक्रेन में कुछ भी नहीं बचा है, यूक्रेन में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है, यहाँ पर भारतीय छात्रों की भी मृत्यु हो चुका है, यूक्रेन में भारतीय छात्रों की मृत्यु हो गया और इसका जिम्मेदार है रूस, रूस के हमलों से जो है भारतीय छात्र की मृत्यु हो गया, इसका जवाब कौन देगा? पूरे देश को इस पर एक्शन लेना चाहिए, पूरे देश को मिलकर के उसको पाबंदी लगाना चाहिए था उस पर कि तू ऐसे क्यों कर रहे हो, गलत है, परंतु ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा है, सिर्फ बातों से उसको कह रहे हैं, कहते हैं रातों की भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं, रातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, यही है भी उसकी नियत, ये जो है पूरे तानाशाही बन चुका है, इसको तोड़ना चाहिए तानाशाही को, पूरे विश्व के लिए खतरा है, तीर्थ विश्व छिड़ जाएगा उससे, अगर ये परमाणु शक्ति का अगर प्रयोग करता है तो तृतीय विश्व युद्ध जो है छिड़ जाएगा, और तृतीय विश्व युद्ध होने का मतलब है एक बार फिर पूरे विश्व में तबाही ही तबाही, क्योंकि विश्व युद्ध जो होता है सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं, इसलिए उस युद्ध को रोकना चाहिए, यही ये हमारा भी आग्रह है कि इस युद्ध को जितना हो जल्दी हो उसको समाप्त करें, उसको बातों से शांति व्यवस्था से उसको शांति बनाए रखे, इस युद्ध को आगे न बढ़ाए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लाते रहते हैं, हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि पूरे जो है देश में ये लोग देख सके और ये महसूस कर सके कि परमाणु हथियार से कितना विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को जो है रोकने में ये वीडियो हमारा जरूर सहयोग करेगा। जय हिंद जय भारत।